नमस्कार और स्वागत है आप सभी का शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के इस सेशन में। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो और बीपीडीओ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में कुछ लोगों की डिमांड थी कि वीडियो बीपीडीओ परीक्षा के लिए जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर डिस्कस किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और साथ ही साथ हम उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में कल हमने कुमाऊं के लोकगीत और लोक नृत्यों का अध्ययन किया था। कुमाऊं के लोकगीत और लोक नृत्यों के बाद हम गढ़वाल के लोकगीत और लोक नृत्यों का भी अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप टॉपिक डालेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था इस टॉपिक को जब एक बार, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, 2-3 पार्ट में इसको अपलोड करेंगे। एक बार जब हम उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम नगरीय स्वशासन यानी उत्तराखंड में नगर निगमों का क्या प्रबंध है, नगर पालिकाओं का कैसा प्रशासन चलता है, नगर पंचायतों का कैसे प्रशासन चलता है, छावनी जो परिषदें होती है, कंटोनमेंट जो बोर्ड होते हैं, उनके लिए हमारे राज्य के अंदर क्या शासन और प्रशासन बनाया गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बात आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जब राज्य का गठन हुआ तो राज्य गठन के समय उत्तराखंड राज्य का अपना स्वयं का कोई पंचायती राज अधिनियम नहीं हुआ करता था। जब राज्य का गठन हुआ तो उस समय हमने उत्तर प्रदेश का ये जो पंचायती राज अधिनियम था ये 1947 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश ने बनाया था। तो राज्य गठन के समय हमने उत्तराखंड के अंदर भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को ही लागू कर दिया। अपना स्वयं का हमारा कोई पंचायती राज अधिनियम नहीं हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्र पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए जो अधिनियम थे 1961, उसी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 को हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर भी लागू कर दिया। उत्तराखंड राज्य के अगर चुनावों की हम लोग बात करें तो राज्य के अंदर सबसे पहली बार विधानसभा जो चुनाव हुए, ये विधानसभा चुनाव तो 14 फरवरी 2002 ईस्वी को हो गए थे, लेकिन ये विधानसभा चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 ईस्वी को हो गए तो विधानसभा चुनावों के बाद जो राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार के द्वारा प्रथम पंचायती चुनाव है ये वर्ष 2003 में करवाए गए। क्योंकि आप जानते होंगे कि पंचायत के जो चुनाव है, जो ये निकाय चुनाव होते हैं स्थानीय स्वशासन के, इन चुनावों को कंडक्ट कराने का कार्य जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, और राज्य सरकारों की पावर है इस पंचायतों के संबंध में जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के पास है। तो प्रथम पंचायती चुनाव जो है वो वर्ष 2003 ईस्वी के अंदर आयोजित करवाए गए उत्तराखंड राज्य के अंदर। इस प्रथम पंचायती चुनाव के बाद जब अब दूसरे चुनाव होंगे, क्योंकि 3 में चुनाव हो गए थे, तो दूसरे पंचायत चुनाव 2008 ईस्वी के अंदर होने थे। इससे पहले मार्च 2008 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड के अंदर आप जानते होंगे कि पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण था, महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ा करके और 50% कर दिया गया। ये कुछ की पॉइंट है, फैक्ट है, जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमें तो आज पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है। तो मार्च 2008 में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ा करके और 50% कर दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक, अब मैंने कहा कि जब हमारे राज्य का गठन हुआ तो हमारा स्वयं का पंचायती राज अधिनियम नहीं हुआ करता था, बल्कि हमने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को ही अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू कर दिया था। तो फिर उत्तराखंड राज्य के द्वारा अपना स्वयं का पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? तो फिर आंसर होगा, उत्तराखंड ने अपना स्वयं का पंचायती राज अधिनियम जो है वो वर्ष 2016 ईस्वी के अंदर बनाया। या फिर प्रश्न आपसे पूछा जाए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? तो 2016 ईस्वी के अंदर पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया जाता है, और 2019 ईस्वी के अंदर इस पंचायती राज अधिनियम में संशोधन भी किया गया। 2019 ईस्वी के अंदर इस पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत हमें संशोधन भी देखने को मिले और बहुत सारे नियमों में फिर परिवर्तन भी हो गया। बहरहाल हमें उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करना है, और अगर हम उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था को पढ़े तो सबसे पहला जो प्रश्न निकल करके आता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है।
क्योंकि भारत के अंदर अगर हम पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो भारत के अंदर द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय अलग अलग संरचना जो है पंचायती राज को देख, पंचायती राज व्यवस्था की देखने को मिलती है। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की कैसी संरचना देखने को मिलती है, तो फिर उत्तर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमें हमारे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है जिला पंचायतें हुआ करती है। इन जिला पंचायतों के नीचे जो है क्षेत्र पंचायतें होती है और क्षेत्र पंचायतों के नीचे जो है ग्राम पंचायतें होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निम्नतम, सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन है, तो वो सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। तो हमें इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है, ग्राम पंचायत के बारे में, क्षेत्र पंचायत के बारे में और जिला पंचायत के बारे में। लेकिन हम इस पंचायती राज व्यवस्था का जो अध्ययन कर रहे हैं वो पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार कर रहे हैं। और आप अगर परीक्षावाणी या बाकी बुक्स के साथ इसका डाटा मैच करोगे तो कुछ एक डाटा ऐसा हो सकता है जो पंचायती राज अधिनियम 2016 में परिवर्तित कर दिया गया है। तो फिर आपको जो है उस डाटा को भी करेक्ट करना है और समझ के चलना है कि क्या कुछ वो प्रावधान है जो पंचायती राज अधिनियम 2016 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत की, और आज के इस लेक्चर में संभवतः हम इसी को कवर करेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में ही यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर अगले लेक्चर में क्षेत्र पंचायतों का संगठन, क्षेत्र पंचायतों की संरचना, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के पदाधिकारी, और अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे जिला पंचायत की। और एक बार हम लोग उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम नगरीय प्रशासन की तरफ, नगरीय स्वशासन की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे ग्राम पंचायत। उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है आज, इस टॉपिक का नाम है ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, ग्राम पंचायत की संरचना कैसी होगी, इन सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार एक जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के गठन का, संगठन का जो अधिकार है वो राज्य, वो तो हमें पता ही है कि भाई हम पढ़ते हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है तो पंचायतों के संबंध में जो भी पावर है वो राज्य सरकार के पास होती है। तो अभी ग्राम पंचायत का आपको गठन करना है तो एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए जो जनसंख्या का मापदंड रखा गया है वो क्या रखा गया है, तो याद रखना पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 की जनसंख्या और अधिकतम 2000 की जनसंख्या जो है इसके बीच के अंतर्गत अगर कोई क्षेत्र आता है, कोई गांव आता है, तो उसको जो है राज्य सरकारें ग्राम पंचायत का दर्जा दे सकती है। या फिर मैं ये कहूं कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो कम से कम 500 लोग होने आवश्यक है। यदि 500 से कम लोग हैं तो फिर उसको ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के ही मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो न्यूनतम संख्या है वो 1000 है और अधिकतम जो संख्या है वो 10000 डिक्लेयर करी गई है। तो इस संरचना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन होगा पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार। और ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के मुखिया की अगर हम लोग बात करें तो इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, तो आप जानते होंगे प्रधान कहा जाता है। जब पंचायत चुनाव होते हैं ग्राम स्तर पर तो इस ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं। प्रधान की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करने के लिए प्रधान के नीचे एक उपप्रधान होता है और उपप्रधान के नीचे प्रत्येक वार्ड से हम पंचायत सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। यानी एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये तीन पद जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक है आपका ग्राम प्रधान, उसके नीचे है उपप्रधान और उसके नीचे जो है पंचायत सदस्य होते हैं। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो ग्राम प्रधान है और जो पंचायत सदस्य है इन दोनों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब जब हम चुनाव में वोट देते हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति है, हम लोग वोट देते हैं और वोट देने से ही इन लोगों का चुनाव होता है। यानी पंचायत सदस्य और प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है। जबकि ये जो उप प्रधान है, इस उप प्रधान का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है।
यानी कि ये जो पंचायत सदस्य है, यही पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को उप प्रधान बना लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत की हम लोग बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जो संख्या निर्धारित करी गई है, पर्वतीय क्षेत्रों में 500 जनसंख्या होनी आवश्यक है, अधिकतम जो है 2000 जनसंख्या, और न्यूनतम मैदानी क्षेत्रों में जो जनसंख्या निर्धारित करी गई है वो 1000 है, और अधिकतम जो है वो 10000 निर्धारित करी गई है। इसके अलावा एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये तीन पद आप देखेंगे, प्रधान, उपप्रधान और पंचायत सदस्य। तो इनमें से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रधान और पंचायत सदस्य को चुना जाता है, जबकि उपप्रधान को जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मतलब हम लोग इसमें पार्टी, आम जनता 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो हम जो गांव के लोग हैं, ग्राम सभा के जो सदस्य है, वो इसके चुनाव में प्रतिभाग नहीं करते हैं। ठीक, चलो तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राम प्रधान, उपप्रधान या फिर पंचायत सदस्य की योग्यताओं के बारे में। सबसे पहले ग्राम प्रधान पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो फिर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी प्रकार का कोई बकाया ना हो, ऐसे तो कॉमन सी बात है, लेकिन आप जानते होंगे कि ग्राम प्रधान के चुनाव को लड़ने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित करी गई है वो 21 वर्ष निर्धारित करी गई है। 21 वर्ष की आयु जो है आपकी कंप्लीट होनी आवश्यक है अगर आप ग्राम प्रधान के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। उत्तराखंड के पंचायती राज अधिनियम 2016 में, मैंने कहा 2019 में इसमें संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हो तो इसमें शैक्षिक योग्यता का भी प्रावधान कर दिया गया, और ग्राम प्रधान पद के लिए जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए जाना चाहता है उसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं पास डिक्लेयर करी गई है। कितनी? 10वीं पास। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आप प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित करी गई है वो 10वीं पास निर्धारित करी गई। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, अगर महिला सीट है कहीं पर या महिला उम्मीदवार है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहती है, या फिर जो एससी एसटी सीटें हैं तो महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ये जो शैक्षिक योग्यता है ये 8वीं पास है। ठीक, तो अगर हम लोग इसके अलावा कुछ प्रावधान बनाए गए हैं कि भाई यदि आपके घर में शौचालय नहीं है तो भी आप प्रधान, उपप्रधान या फिर पंचायत सदस्यों के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते, लेकिन पेपर में आने वाले जो प्रश्न है उनके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 21 वर्ष योग्यता है, 10वीं पास शैक्षिक योग्यता है, और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ग्राम प्रधान पद के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किस वर्ष किया गया तो 2019 में किया गया। इसके अलावा महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो 8वीं पास है। तो ये योग्यता जो है ग्राम प्रधान पद के लिए, हमने इसके बारे में बात की। तो चलो, आपने चुनाव में पार्टिसिपेट कर लिया, आप 21 साल की भी हो, आप 10वीं पास भी हो, आपने चुनाव में पार्टिसिपेट कर लिया, और चुनाव में पार्टिसिपेट करने के बाद आपका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हो। अब आपने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव में पार्टिसिपेट कर दिया और आप चुनाव में विजयी हो गए, तो विजयी होने के बाद जो सबसे पहला काम होगा वो होगा ग्राम प्रधान पद की शपथ लेना। ग्राम प्रधान पद की शपथ लेना। तो कौन होता है जो ग्राम प्रधान को शपथ दिलाता है? तो फिर आप याद रखेंगे, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कि खंड विकास अधिकारी कहते हैं। तो ग्राम प्रधान को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? खंड विकास अधिकारी करता है। यहां पर जरा ध्यान समझना कि कई लोगों को डाउट होता है बीडीओ में, वीपीडीओ में और वीडीओ में। तो ध्यान रखेंगे जब हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत के किसी भी प्रकार के कार्य में वीडियो का तो कोई योगदान नहीं है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, ग्राम विकास अधिकारी जो है, इसका संबंध ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से है। तो ग्राम पंचायत के गठन, बैठक, इससे किसी भी प्रकार का इसका कोई योगदान नहीं है। और अगर हम लोग बात करें वीपीडीओ की, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर की, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, तो जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है वो एक सरकारी अधिकारी है जो ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाना है। तो यहां पर यह कंफ्यूजन ना हो आपके सामने कि ग्राम पंचायत के अंदर जो प्रधान है उसको शपथ वीपीडीओ नहीं दिलाता है, ग्राम प्रधान को पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार खंड विकास अधिकारी जो है वो ग्राम पंचायत के प्रधान को शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है? तो आप कहेंगे खंड विकास अधिकारी जो है वो इसको शपथ दिलाता है। ठीक, पहली बात याद रखेंगे, 21 वर्ष योग्यता की बात करें, 10वीं पास, और इसके अलावा 8वीं पास। इसके साथ ये प्रावधान भी कर दिया गया था कि तो 2 से ज्यादा बच्चे ना हो ना,
ये भी 2019 में प्रावधान है कि अगर आप पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक, हाँ, इसमें कुछ एक क्लॉज ऐड करे गए थे कि भाई मान लो अगर पंचायत चुनाव आप लड़ लिए और आप जीत गए तो जीतने के बाद भी अगर आपका तीसरा बच्चा होता है तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ग्राम प्रधान पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पहले दो बच्चे थे तो आप तो एलिजिबल हो, आपने चुनाव लड़ा और हो सकता है चुनाव के बाद आपका तीसरा बच्चा हो गया तो ऐसे में आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। पहले से जो है कि मान लो आपका एक बच्चा है और आपने चुनाव लड़ लिया उसके बाद आपके जुड़वा बच्चे हो गए तो ऐसे में फिर ये प्रावधान काम नहीं करेगा, मतलब छूट है आपको। अगर पहली बार में आपका एक बच्चा होता है और मान लो कि एक बार आप प्रधान बन गए उसके बाद आपके जुड़वा बच्चे हो गए तो क्या आपकी सदस्यता समाप्त होगी? नहीं, आपकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसका उल्टा सत्य है, मतलब पहले से आपके दो जुड़वा बच्चे और फिर जो है आप एक बार प्रधान बन गए उसके बाद आपका एक बच्चा हो गया तो फिर आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे कुछ क्लॉज, चलो वो पेपर के लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने कहा ये जो ग्राम पंचायत है इस ग्राम प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? खंड विकास अधिकारी इसको शपथ दिलाता है। ठीक, चलो अब आप प्रधान बन गए। अब प्रावधान क्या किया गया है कि जिस दिन प्रधान को शपथ दिलाई जाएगी, जिस भी दिन ग्राम प्रधान को शपथ दिलाई जाएगी यथाशीघ्र, कोशिश करेगा उसी दिन, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके अगले दिन ग्राम प्रधान जो है गांव में प्रथम बैठक का आयोजन करवाएगा। इसको हम ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक कहते हैं। और ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक के टाइम पीरियड तक का जो समय रहेगा ये ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। और ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे उप प्रधान है, चाहे प्रधान है, चाहे पंचायत सदस्य है, इन सभी का कार्यकाल भी वही होता है जो एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हम कहेंगे ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से लेकर के और 5 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है यही ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी और ग्राम पंचायत का भी कार्यकाल होता है। तो 21 वर्ष इसकी उम्र हो गई, इसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो आप कहेंगे खंड विकास अधिकारी। इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष पहली बैठक से। और यहां पर बैठक की बात आई तो फिर आप समझो कि कितनी बैठकें आवश्यक है, एक ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें जो है वो आवश्यक है। तो यहां प्रावधान क्या बनाया है कि ग्राम पंचायत की प्रति माह एक बैठक होनी आवश्यक है, प्रत्येक महीने ग्राम पंचायत की एक बैठक होनी आवश्यक है। इसके साथ ही साथ 4 अति अनिवार्य बैठकें हैं भाई, 4 दिन जो है ग्राम पंचायत की बैठक होनी बहुत अनिवार्य है। उसमें एक 15 अगस्त का दिन होता है, एक 26 जनवरी का दिन होता है, एक 2 अक्टूबर होता है महात्मा गांधी की जयंती, और एक 1 मई होता है मजदूर दिवस। इन 4 दिनों में ग्राम पंचायत की बैठक होना अति अनिवार्य है। बाकी प्रति माह जो है वो ग्राम पंचायत के अंदर एक बैठक होनी अनिवार्य है और 2 बैठकों के बीच में 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 60 दिन से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान बनाया गया है। ठीक, तो चलो हमने कहा ऐसा कुछ आ गया। अब ये कार्यकाल जो है प्रधान जी का ये 5 वर्ष का है, पंचायत सदस्यों का भी कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, लेकिन यदि ग्राम प्रधान जो है इस 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही अपना पद छोड़ना चाहे, यानी मैं बात कर रहा हूं कि ग्राम प्रधान अगर अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? अगर ग्राम प्रधान जो है अपना त्याग पत्र सौंपना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो आपको याद रखना है जो ग्राम प्रधान है पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम प्रधान अपना त्याग पत्र जो है जिला पंचायत अधिकारी को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? तो फिर आप कहेंगे जिला पंचायत अधिकारी को सौंपेगा। जिला पंचायत अधिकारी को ग्राम प्रधान ने अपना त्याग पत्र सौंप दिया और जिला पंचायत अधिकारी 15 दिन के अंदर अंदर, अगर 15 दिन के अंदर अंदर जिला पंचायत अधिकारी ये जो ग्राम प्रधान का त्याग पत्र है इस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो 15 दिन के बाद वो जो त्याग पत्र है वो ऑटोमेटिकली स्वीकृत समझा जाएगा। यानी 15 दिन के अंदर अंदर अगर इस पर स्वीकृति या अस्वीकृति दे दी तो अलग बात है, अदरवाइज अगर जिला पंचायत अधिकारी जो है वो 15 दिन तक ग्राम प्रधान के द्वारा दिए गए त्याग पत्र पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो ये जो त्याग पत्र है ये ऑटोमेटिकली स्वीकृत समझ लिया जाएगा। ये कुछ जनरल सी बातें हम कर रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक, चलो तो पहली बात हमने कहा कि भाई प्रथम बैठक होनी चाहिए और बैठक 4 तो बहुत अनिवार्य है, बाकी प्रतिमा एक बैठक होना आवश्यक है। और अगर
पांच वर्ष के कार्यकाल से पहले ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र देना चाहे तो फिर ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र जो है वो किसको सौंपेगा, तो फिर हम कहेंगे जिला पंचायत अधिकारी को सौंपेगा। चल, पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले, ये तो बात हुई कि भाई प्रधान जो है अपना पद अगर छोड़ना चाहे, अगर स्वयं से जो है त्यागपत्र देना चाहे, ये तो इसकी बात हुई। यदि पांच वर्ष से पहले ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाया जाना हो, मतलब प्रधान जी नहीं चाह रहे हैं कि मैं हटूं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधान जी को हम उनके पद से हटा दें, तो ग्राम प्रधान को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक है। ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए क्या आवश्यक है, तो फिर याद रखना अविश्वास प्रस्ताव। मतलब हम अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है, हमने चुन करके प्रधान को लोकतंत्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा प्रधान जी को प्रधान बनाया है, हमने चुना है, हमको उन पर विश्वास है, और अविश्वास का मतलब है कि अब हमें उन पर विश्वास नहीं रह गया है। लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। आप समझेंगे ग्राम प्रधान का अविश्वास प्रस्ताव कैसी होती है, ग्राम प्रधान के अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जरा इसको समझना। ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहली बात, जो हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, इन ग्राम पंचायत के सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगर आप ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, पहली बात, ठीक। और ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य, इनके बारे में याद रखना, परीक्षावाणी के अंदर अब पुराना डाटा चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा करेक्ट करना कि पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो फिर आप याद रखेंगे कि परीक्षावाणी में दिया है 5 से लेकर के 15, लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में पंचायत सदस्यों की संख्या मिनिमम 7 कर दी गई और मैक्सिमम 15 है। मतलब किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1000 की जनसंख्या, 1000 से नीचे नीचे अगर जनसंख्या है, तो वहां पर पंचायत सदस्यों की संख्या 7 होगी। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, मान लो 1200-1300 है, तो फिर आपके 9 होंगे, फिर 11 होंगे, फिर 13 होंगे, फिर 15 होंगे, डिपेंड करता है आपके गांव के अंदर जनसंख्या कितनी है। तो ग्राम पंचायत, अब ये परीक्षावाणी में इसका आंसर दिया है 5 से लेकर के 15 तक, तो इसको करेक्ट करेंगे, पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार पंचायत सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी डिक्लेयर कर दी गई है, 7 डिक्लेयर कर दी गई है। कम से कम पंचायत सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए और 7 से लेकर के 15 तक ये पंचायत सदस्य हो सकते हैं। तो मान लो कि भाई हमारे गांव के अंदर पंचायत सदस्यों की संख्या जो है वो 15 है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव पर, ऐसे नहीं ला सकते। तो 15 का फिर मैं 1/4 करता हूं, तो 4 × 3 = 3.5, लगभग 4 मान लो, ठीक। अगर 1/4 करते हैं तो 4 से इसको काटेंगे, 4 × 16, लगभग 16 ही मान के मैं ये मान रहा हूं कि भाई कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, तो कम से कम 4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। सबसे पहली बात, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना है, पहली बात। या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों के 1/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, तो या फिर आपके पास दूसरा प्रावधान क्या है, जो आपकी ग्राम सभा है, जो आपकी ग्राम सभा है, जो आपका पूरा गांव है, उस ग्राम सभा के 1/2 सदस्यों के द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया हो अविश्वास प्रस्ताव को। या तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों का 1/4 सदस्य जो है इस पर हस्ताक्षर कर ले, या फिर जो आपकी ग्राम सभा है उस ग्राम सभा के 1/2 सदस्य जो है इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर ले। यदि ऐसा होता है, यदि ये हस्ताक्षर कर लेते हैं, तब इस अविश्वास प्रस्ताव को जिला पंचायत अधिकारी के ऑफिस में प्रस्तुत किया जाएगा, जिला पंचायत अधिकारी के ऑफिस में प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो समझना अविश्वास प्रस्ताव ग्राम प्रधान का, या तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के 1/4 सदस्यों के द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया हो, या ग्राम सभा के 1/2 सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, तो एक बार ये हस्ताक्षर हो गए तो फिर इस अविश्वास प्रस्ताव को जिला पंचायत अधिकारी के जो कार्यालय है या ऑफिस है, यहां पर इसको प्रस्तुत किया जाएगा।
जिला पंचायत अधिकारी जो है वो एक माह के अंदर अंदर संबंधित वीपीडीओ को उस ग्राम सभा में एक बैठक का आयोजन करने को कहेगा। पहले तो अविश्वास प्रस्ताव, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को हमें जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पहुंचाना है। अब जिला पंचायत अधिकारी इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला जो वीपीडीओ होगा उस वीपीडीओ की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये तो हमने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर होगा मतदान, तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो मतदान होता है उस मतदान की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो फिर ध्यान रखना इस बैठक की अध्यक्षता संबंधित वीपीडीओ करता है, यानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी करता है। हमें अविश्वास प्रस्ताव को तो जिला पंचायत अधिकारी को पेश करना है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान जो है वो किसकी अध्यक्षता में होता है, वो वीपीडीओ की अध्यक्षता में होता है। जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा होगा, उस बैठक की अध्यक्षता वीपीडीओ कर रहा होगा। अब वीपीडीओ की अध्यक्षता में अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। अभी हमने अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ पेश किया है, अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। तो यदि ग्राम पंचायत सदस्यों के 1/2 सदस्य जो है इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, 1/2 सदस्य इस प्रस्ताव पर अपना मतदान दे देते हैं, तो उसी दिन से जो है प्रधान का पद रिक्त माना जाएगा, ग्राम प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति में ग्राम प्रधान के अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए ग्राम पंचायत के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर करना आवश्यक है, तो 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अगर ये उप प्रधान की बात हो रही हो तो उप प्रधान के लिए 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। और बैठकों की हमने बात करी तो 4 तो अनिवार्य बैठकें हैं, बाकी प्रतिमाह 1 बैठक करवाना बहुत आवश्यक है। तो इस लेक्चर में हमने ग्राम पंचायत स्तर पर, उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत का एक बेसिक सा ढांचा पड़ा है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली समितियों के बारे में, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले प्रमुख कार्यों के बारे में, क्षेत्र पंचायत की संरचना किस प्रकार से होती है, क्षेत्र पंचायत के पदाधिकारी कौन होते हैं, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत पदेन सदस्य कौन होता है, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आमंत्रित सदस्य कौन होता है, और जिला पंचायत के बारे में उसके अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया है वो एक बेसिक सा ढांचा हमने ग्राम पंचायत का समझने की कोशिश करी है। इसकी संरचना कम से कम 500 की जनसंख्या, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम जो जनसंख्या है वो 2000, शैक्षिक योग्यता जनरल ओबीसी के लिए, जो जनरल के लिए शैक्षिक योग्यता है वही ओबीसी के लिए भी शैक्षिक योग्यता भी है। इसके अलावा महिला एससी एसटी के लिए जो शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया गया वो 8वीं पास है। ये अपनी शपथ जो है, कौन इनको शपथ दिलाता है, खंड विकास अधिकारी। और ग्राम प्रधान को अगर अपना त्यागपत्र सौंपना हो तो वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, जिला पंचायत अधिकारी को। अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना है तो किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि शिक्षा कोचिंग सेंटर करणपुर में 10 तारीख से जो है वीडियो और वीपीडीओ के ऑफलाइन बैच तैयार करे जा रहे हैं। तो अगर आप में से, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ रहे थे तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 10 तारीख से वीडियो और वीपीडीओ की ऑफलाइन क्लासेस शिक्षा कोचिंग सेंटर करणपुर में संचालित करी जा रही है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते तो आप 9 बजे से 12 बजे तक ये बैच चलेगा, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जो 8 बजे से और 11 बजे जिसका टाइम है। और ऑनलाइन कोर्स के लिए बहुत सारे लोगों की जो इंक्वायरी आ रही थी उनको भी मैं जवाब नहीं दे पाया, तो ऑनलाइन कोर्स जो है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा, वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा के लिए 14 दिसंबर से ऑनलाइन। उसमें कैसे इनरोल होना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जब एक बार ड्राफ्ट पूरा तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर में हमने ग्राम पंचायत का एक बेसिक ढांचा पढ़ा है। कल हम बात करेंगे, पहले तो एक टॉपिक बचा हुआ है अभी आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हमें गढ़वाल के लोक नृत्य पढ़ने, जौनसार रमाई और जौनपुर के लोक नृत्यों का अध्ययन करना है, तो कल उसको करेंगे। फिर परसों जो है ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत की समितियां, और उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।